छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दावा किया है कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 36 में से 19 से अधिक वादे पूरे कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बस्तर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं जगदलपुर स्थित पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री सिंहदेव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के किए गए वादों और बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले प्रदेश की 75% आबादी को फोकस करते हुए किसानों को किए गए वादे 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी और ऋण माफी का वादा पूरा कर लिया गया था। आपको बता दें कि मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बस्तर में डॉक्टरों की कमी को माना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और अन्य पदों पर भर्ती जल्द होगी। जिले के महारानी अस्पताल में 16 डॉक्टरों की भर्ती हुई है। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में भी खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं मानव संसाधन के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथ ही आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में 20 बेड के ट्रामा सेंटर के भूमि पूजन के साथ ही कुल 7,33,00,000 के 8 कार्यों का भूमि पूजन व 5,30,00,000 रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण किया है। इसमें समीक्षा बैठक थी जिसमें डीएचएस डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज में जहां मितानिन से लेके जिला अस्पताल तक की संरचना विद्यमान है, इसकी समीक्षा सातों जिले में सिविल सर्जन सीएमएचओ इन लोगों की बैठक बुलाई गई थी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स भी आए थे। इसमें जांच करना होगा, दूरस्थ इलाका है।